आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्लांक के इक्वेशन और आइंस्टीन के इक्वेशन, जो इक्वेशन है प्लांक और आइंस्टीन सर की, उन दोनों की इक्वेशंस को मिला के अपनी एक नई इक्वेशन दी थी जो कि कुछ इस तरीके से थी। तो जो प्लांक सर थे उनकी इक्वेशन थी इज इक्वल टू एच म्यू, जहाँ पे ई था हमारा एनर्जी, ई एनर्जी, एच जो है वो है प्लांक कॉन्स्टेंट, और जो हमारा म्यू है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो उन्होंने जो प्लैंक सर की इक्वेशन थी उन, तो डी ब्रोगली सर ने जो प्लैंक सर की इक्वेशन दी थी उसे माना इक्वेशन नंबर वन। उसके बाद हम बात करते हैं आइंस्टीन सर की इक्वेशन की। जो आइंस्टीन सर थे उनकी इक्वेशन थी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां पे ई हमारा वही एनर्जी, एम हो गया मास, और सी स्क्वायर हो गया स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट। तो उन्होंने जो आइंस्टीन सर की इक्वेशन थी इसे माना इक्वेशन नंबर टू। तो अब हम अपनी जो इक्वेशन है इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो हम लिखेंगे बाय कैलकुलेटिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, तो जैसा हम देख सकते हैं कि इक्वेशन वन में भी जो इस साइड है वहां पे इक्वेशन वन में भी एच है, ई है, और इधर भी इक्वेशन टू में भी ई है। तो जो ई है, जो ई और ई से ई और ई कट जाते हैं, तो हमारे पास बचते हैं एच म्यू और एम सी स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ, नहीं, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसका रेशियो होता है। तो हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, यानी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लाइट स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट का रेशियो। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा म्यू है यहाँ पे इस वैल्यू को ले लेते हैं एच, यहाँ पे म्यू आ गया, वहाँ पे लिखेंगे अब सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, हमने ये ऊपर ले लिया। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, तो हम इस सी से इधर का एक सी कट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास बचेगा एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा बचा है एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। तो हम जो एच है इसे इस तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। तो ये थी डी ब्रोगली सर, नहीं सॉरी, तो यहाँ पे जो सी है इसे भी सी को हम यहाँ पे वी कर लेते हैं, क्योंकि सी भी जो है वेलो स्पीड है, सी को हम वी कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहले जो उन्होंने इक्वेशन दी थी वो थी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। तो उन्होंने ये इक्वेशन लाइट के लिए दी थी, तो उन्होंने बाद में ये भी प्रूफ कर दिया था कि जो लाइट के लिए इक्वेशन है वही पार्टिकल के लिए भी होती है। तो उन्होंने दोबारा इक्वेशन दी थी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, यहाँ पे सी की जगह उन्होंने वी कर दिया था, क्योंकि जो वही जो लाइट के लिए इक्वेशन दी थी वो हमारे पार्टिकल के लिए भी होती है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हो गया। तो सभी जानते हैं एम इंटू वी इज इक्वल टू पी, यानी कि तो मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो हम इसे लिख सकते हैं एच लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो हमने जैसे कि तो हमने अभी तक देखा कि हमने जो वो था डी ब्रोगली क्वेश्चन था वो निकाला, तो उस हिसाब से अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास है एम है जिसका 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा वेलोसिटी यानी कि वी है वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हमें इसे मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 2 अपॉन 100 कर देंगे, जिससे हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें लैम्डा नहीं दिया गया है, लैम्डा हमें निकालना है, और एच दिया गया है जो कि हमारा कॉन्स्टेंट है, एच दिया गया है
6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकंड, ठीक है। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो हमारे पास लैम्डा का जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था लैम्डा का? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये फॉर्मूला था ना हमारे पास। हमारे पास लैम्डा नहीं है, हमें लैम्डा निकालना है, तो ठीक है एच दिया गया है, एच की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10^-34 अपॉन एम, हमें दिया गया 9.1 इंटू 10^-31 और यहाँ पे हमें v दिया गया है 0.02, ठीक है। तो जो -10^-31 हम इसे ऊपर ले जा लेते हैं, तो यहाँ पे जगह लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10^-34 इंटू 10^31 अपॉन 9.1 इंटू 0.02। तो अब हम चलते हैं अगली तरफ। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 31 ऊपर आ गया है, तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 31 जो था वो नीचे माइनस था और ऊपर प्लस था, ऊपर प्लस हो गया। तो वो इसलिए क्योंकि जब वो नीचे था तो वो माइनस में था, उससे उसका स्थान जो परिवर्तन हुआ है तो वो अपने से ऊपर गया तो वो प्लस हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ चलते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10^-3। माइनस थ्री इसलिए हुआ क्योंकि जो -34 था उसकी वैल्यू -31 से ज्यादा थी, तो जब यहां से ये माइनस हुआ कि प्लस था बट इसकी वैल्यू कम थी। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होती तो हमारे पास प्लस में आंसर आता, पर इसकी वैल्यू कम थी इसलिए हमारे पास माइनस में आंसर है। और नीचे हो जाएगा अपॉन 9.1 में से 9.1 इंटू 0.02 का हो जाएगा 0.182, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी पॉइंट का 3 वो है नंबर और यहाँ पे पॉइंट का 3 नंबर है, तो पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 6626 इंटू 10^-3 अपॉन 182। तो अब हम 182 से 6.6626 को डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे यहां तक आ चुका है। तो हम 182 में से 182 में से 6626 को डिवाइड कर लेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 36.4 इंटू 10^-3 मीटर। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, उसका आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा कि आपका कंफ्यूजन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू और इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।